नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कहाँ हैं? शरद पवार चुप क्यों हैं? क्या शरद पवार ने शिवसेना के तमाम नेताओं के साथ क्या धोखेदारी की है? क्या अपने फायदे के लिए उन्होंने शिवसेना का इस्तेमाल किया? आप दर्शक सोच रहे होंगे मैं इस तरीके के सवाल क्यों कर रहा हूं। इस तरीके के सवाल की अब जरूरत ही क्या है जब उद्धव ठाकरे के हाथ में कुर्सी नहीं है, जब उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। दर्शकों, मैं सवाल ये ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप और हम बाखूबी तरीके से जानते हैं कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही थी। भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, भले ही वो फैसले लेते थे, भले ही वो मीटिंग करते थे, लेकिन तमाम फैसले, तमाम मीटिंग, तमाम ऐलान बिना शरद पवार के मशवरे के नहीं होता था, ये आप अच्छे से जानते हैं। यहां तक कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया, जब उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया, तब भी हमारा अपने देखा कि किस तरीके से शरद पवार जो से मिलकर उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया। ऐसे में सबसे अहम सवाल, अब जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, बीएमसी का चुनाव सामने है, तब भी वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो कहीं कोई धोखा करने वाले तो नहीं है? क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल तो नहीं करने वाले हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि जब संजय राउत, जो सबसे ज्यादा मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ हमला बोल रहे थे, तब भी वो चुप थे। जब वो उनकी गिरफ्तारी हुई तब भी चुप थे और अब भी चुप हैं। आखिर क्यों? बीएमसी के चुनाव में क्या शिवसेना का साथ नहीं देंगे? शिवसेना का मैटर हालांकि अभी कोर्ट में फंसा हुआ कि असली शिवसेना किसकी होगी, इसी महीने के आखिर में फैसला आएगा। लेकिन शरद पवार का चुप होना वाकई में जो है गठबंधन की तरफ बेचैन कर रहा है कि जहां जिसके साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, आखिर क्यों चुप है? एक और खुलासा हुआ दर्शकों, जो आखिर में आपको हम बता दें, वो ये कि मैंने गृह मंत्रालय मांगा था लेकिन नहीं मिला, एनसीपी की बैठक में बोले पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार, वो ऐसा कहते नजर आ रहे। तो जैसे जैसे हम आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का खेमा खत्म होता जा रहा है, गठबंधन की सरकार खत्म हो ही गई, अब वो टूटता जा रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। शरद पवार कभी कुछ कह रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे, कभी कोई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बतौर तजुर्बेकार होने के नाते शरद पवार की चुप्पी बहुत सारे अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत का साथ क्यों नहीं दे रहे? उद्धव ठाकरे से बातचीत क्यों नहीं कर रहे? और बीएमसी के चुनाव को लेकर आगे का प्लान क्या होगा, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शरद पवार क्या कोई बड़ा खेल तो नहीं करने वाले? और क्या होगा खेल, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।